सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइस यार, आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ काफ़ी दिनों बाद। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, एंड उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद है तो ऑब्वियसली लाइक ज़रूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। तो गाइज यार, कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड देन गाइज, आपको क्या करना, आपको जो प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करना, वो कैसे करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, एंड वहाँ से सारे प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड जो पुरानी काफ़ी मतलब पिछले ईयर की वीडियो, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मैं ठीक करने लगा हुआ, तो उसको फॉरगेट करते हैं। फिलहाल जो न्यू वीडियोज है उस पर आप फोकस करें। आपको क्या करना, सिंपल से आपको लाइट मोशन में प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना। एंड इंपोर्ट करने के बाद गाइस यार, आपको क्या करना, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, क्योंकि हम नई नई वीडियोज़ आगे लाते रहेंगे, ज़रूर से डेली वीडियो आएगा। तो आपको क्या करना, प्लस क्या इसमें प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर जाना, एंड पहला आपको बिटमांगला प्रोजेक्ट गाइस कुछ स्टेप से देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ स्टेप से कुछ बिट मार्क्स लगे होंगे। एंड देख सकते हैं, इतना कुछ देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका आरसी भाई आपके साथ है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले डबल बिट मार्क्स को ढूंढना है। एंड ये डबल बिट मार्क देख के आप ये मत सोचोगे कि आपको बस फाइल मिल गया तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके आप बना सकते हो। नहीं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के, एंड बीच में जो दो बिट मार्क है ना, वो मैंने गायब किए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर से देखना पड़ेगा। आपको कुछ ही ऐसे आपको बिट मार्क मिलेंगे जहाँ पर आपको इमेज को चेंज करना है, एंड आधे मैंने जो है गुम कर दिया, मतलब कि हटा दी हूँ। तो आपको मैं वीडियो में वॉइस में बताऊंगे कहाँ कहाँ पे चेंज करना, तो वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले गाइस यार, यहाँ पे हमें जो है ये जो फोटो है उसको हमें क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी फोटो ऐड करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए बैक चलते हैं, प्लस वाला आइकन पे टैप करेंगे, एंड यहाँ पे 90 स्क्रीन वाले रेशियो को सिलेक्ट करेंगे, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे, एंड प्लस वाला आइकन पे टैप करने के बाद मिरर ऑप्शन में, एंड यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, थीटर पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया थोड़ा सा स्लाइड करके आगे की ओर जाना, सेटिंग के राइट में आइकन से उस पर टैप करना, करंट फ्रेम एस पीएनजी पे, एंड वापस उसी पर टैप करोगे तो इसी फ्रेम में क्रॉप हो जाएगा। तो गाइस यार, मैं अलाइट मोशन से क्रॉप करने के लिए नहीं बोल रहा। अगर आपके पास कोई सा भी ऐप है जिसमें जो आपको 960 में इमेज क्रॉप हो रहा है, तो आप उससे भी क्रॉप कर सकते हो, बट यहाँ से आपको अदर कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना तो आप यहाँ का यूज़ कर सकते हो। एंड ये मैं जूम इसलिए किया हूँ, देख सकते हो बॉर्डर आ रहा है, तो मैं ये बॉर्डर रिमूव करने के लिए जूम किया, देन सेटिंग रेस में आइकन उस पर टैप करना, करंट फ्रेम एस पी एन जी पे, एंड जैसे एक्सपोर्ट पे टैप करेंगे इसी फ्रेम में क्रॉप होकर आ जाएगा। इनफैक्ट आप गाइस यार अपने गैलरी से भी क्रॉप कर सकते हो। एंड गाइस यार, मेरा जो है एक और चैनल है जो कि आप ओमेगल की वीडियोस वगैरह डालता हूँ फनी फनी, तो आप जाके इजीली से चेकआउट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एंड यार, कुछ नया ट्राई किया तो सपोर्ट जरूर से करें, जैसे इस चैनल में सपोर्ट किया है ना, उसी टाइप से आप उस चैनल में भी सपोर्ट करें, ताकि हम नई नई वीडियोस आगे लाते रहें आपके लिए, ठीक है। सब बैक चलते हैं, आपने जो बिटमार्क में आ जाना है, एंड स्टार्टिंग वाला जो हमें एक वीडियो को इंपोर्ट करेंगे तो उसको हम बाद में इंपोर्ट कर दें। सबसे पहले डबल बिट मार्क कुछ इस वाले पॉइंट से, तो आपको यहाँ पे आ जाना, एंड देन गाइस यार यहाँ पे जो एक लेयर है ना, देख सकते हैं यहाँ से लेयर स्टार्ट होती है, उस पर आपने टैप करना, कलम फील के ऑप्शन में स्टार वाले आइकन पे टैप करना, एंड यहाँ से आपको क्या करना, लाइट मोशन के फोल्डर को सिलेक्ट, कुछ स्टेप होगा तो आपको सिंपल से फोटो को सिलेक्ट करना, टॉप पे प्लस वाला आइकन गाइस, एंड यहाँ पे फोटो रिप्लेस हो जाएगा, देन अगले पे टैप करेंगे, कलम फील के ऑप्शन में स्टार वाला आइकन पे, एंड इमेज को सिलेक्ट करके टॉप पे प्लस वाला आइकन, एंड गाइस यार यहाँ पे इजिली से ये सारे फोटोज को आपको रिप्लेस करना, जब तक आपका डबल बिट मार्क नहीं आता। एंड बीच में कुछ डबल बिट मार्क मैंने मतलब गायब किया हो, ताकि आप वीडियो एंड तक देखें, एंड गाइस ऑब्वियसली आप वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें। एंड ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है ना, वो भी मैं बताऊंगा, ये आप फोटो को नहीं लगाना चाहते हो, मतलब कि आप जैसे फोटो ओरिजिनल है वैसे आप लगाना चाहते हो, तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे लगाना गाइस। तो सबसे पहले आपको इस पे टैप करना, कलर फील के ऑप्शन में स्टार वाला आइकन पे टैप करना, इमेज को सिलेक्ट करना, टॉप पे प्लस वाला आइकन गाइस। तो इसी टाइप से आपको सभी फोटो
यहाँ पे जब तक डबल बिट मार्क नहीं आता आपको तब तक आपको डबल ये भी वाला फोटो को रिप्लेस करना है। ठीक है गाइस, तो आपको रिप्लेस करने का सिंपल सा ट्रिक दिख रहा है, तो इसी टाइप से आपको रिप्लेस कर लेना। आपने इस पर टैप करना कलर फील्ड के ऑप्शन में स्टार वाला आइकन पे, एंड यहाँ से आपको जिस भी फोल्डर में इमेज रखा हो उस वाले फोल्डर से इमेज को सिलेक्ट करना है। एंड देन गाइस यार आपको ये वाला सेकंड देख सकते हो, ये वाला जो टाइम आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेकंड इमेज को इम्पोर्ट करना है। तो देख सकते हो एक आपको टाइम पता चल गया, यहाँ पे आपको सेकंड इम्पोर्ट इमेज को इम्पोर्ट करना स्टार्ट करना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड वाला इमेज, देन आगे की ओर जाएंगे, इस पर टैप करेंगे कलर फिल के ऑप्शन में स्टार वाला आइकन पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, टॉप पे प्लस वाला आइकन, आगे की ओर जाएंगे इस पर टैप करके कलर फिल के ऑप्शन में एंड स्टार वाला आइकन पे जाकर रिप्लेस करते हैं। एंड आपको क्या करना गाइस, इजिली से रिप्लेस कर लेना। एंड रिप्लेस करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इमोजी वीडियो ऐड करना एंड देन आपका जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगा गाइस। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ स्टेप्स हमने रिप्लेस कर लिया। एंड देन गाइस यही इमेज आपको कहाँ तक रिप्लेस करने है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल बिट मार्क है, यहाँ तक रिप्लेस कर लोगे। उसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले इमेज को स्टार्ट करोगे एंड देन आगे की ओर जाओगे गाइस। एंड यहाँ पे एक और टाइमर था जो कि मैं बताने वाला था, तो आप देख सकते हैं गाइस ये वाला टाइमर देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ ये 26 सेकंड एंड 0.6 मिली सेकंड पे आपको इमेज को चेंज करना है। एंड ये चेंज करने के बाद आपको गाइस यार बाकी सारे बिट मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, एक आपको 13 सेकंड एंड 13 मिली सेकंड पे आपको क्या करना है, फोटो को चेंज करना है एंड एक यहाँ पे डबल बिट मार्क लगा हुआ था। ठीक है, तो जो मैंने रिप्लेस किया था एंड देख सकते हो फाइनली आपका जो वीडियो बन के तैयार हो जाएगा गाइस। एंड होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको कहाँ पे आपको रिप्लेस करना है फोटो को। ठीक है, सो बैक चलते हैं एंड सबसे पहले वाला हमारा जो है फर्स्ट इमेज आएगा कुछ इस वाले सेकंड एंड, ठीक है, 13 सेकंड एंड 12 मिली सेकंड, देन आगे की ओर जाएंगे गाइस। एंड आपको जो है एक दो सेकंड का फर्क पड़ सकता है जब हम मीडिया एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है गाइस, एंड देन आपको क्या करना, अब सेकंड थर्ड वाला फोटो यहाँ से स्टार्ट करना है 19 सेकंड एंड 24 मिली सेकंड, देन आगे की ओर जान देना गाइस। एंड देन आपको क्या करना कुछ इस वाले पॉइंट पे 26 सेकंड एंड 0.6 मिली सेकंड पे आपको थर्ड वाले इमेज को लगाना एंड आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है इसको अगर हम रिमूव करना चाहते तो वो कैसे करना, तो सिंपल ये जो फिल्टर है इसको आई ऑप्शन को ऑफ करोगे तो ये जो ऑफ हो जाएगा। एंड ये जो ऊपर है ना वो एसडीआर प्रीसेट है, तो ये अगर आप नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगा सकते हो, अगर कोई और आपको लगाना किसी और वीडियो का तो लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट रख रहा हूं, देन स्टार्टिंग में आते हैं एंड देन आगे की ऊपर की ओर स्लाइड करना गाइस। एंड यहां पे एक ओवरले करके एक लेयर देखने को मिलेगा, तो इस पे टैप करना कलर फिल के ऑप्शन में स्टार वाले आइकन पे एंड यहां से आपको क्या करना सिंपल से ओवरले को सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले मैं फोल्डर को सिलेक्ट करता हूं यहां पे, तो कुछ स्टेप से हमारा जो है वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये रहा इमोजी वीडियो गाइस एंड देन प्लस वाला आइकन पे टैप करके इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, आपको कितना अमेजिंग सा देखने को मिल रहा है एंड ये जो फाइनली इंपोर्ट हो गया गाइस। एंड देन आपको सेटिंग रहे से माइक करना है, उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करना, एक्सपोर्ट पे टैप करना एंड ये फाइनली एक्सपोर्टिंग पे लग जाए।